नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टिल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहादत दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया गया नमन। आंध्र प्रदेश में 4 बार पड़े थे बापू के कदम। किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन ने बनाई मानव श्रृंखला। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की डीएम ने दी जानकारी। विक्रमशिला समानांतर पुल के कार्यों में तेजी लाने की कही बात। भागलपुर में रविवार को जुटेंगे देश भर के हड्डी रोग विशेषज्ञ। नई चिकित्सा तकनीक पर होगा मिड टर्म कॉन्फ्रेंस। और जमीन संबंधित विवाद के निपटारे के लिए लगाया गया जनता दरबार। कई मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। अब खबरें विस्तार से। सिल्क सिटी भागलपुर में आज विभिन्न संस्थानों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शहादत दिवस पर याद किया गया। काजवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, महबूब आलम, वासुदेव भाई समेत सभी समुदाय के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि बापू के विचार देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के पूर्व देश भ्रमण को निकले साबरमती के संत महात्मा गांधी का आगमन भागलपुर में 4 बार हुआ था, जो आंध्र प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वहीं डॉक्टर अनिरुद्ध चांद झुंझुनवाला और संजय सिंह ने बताया कि गांधी जी से जुड़ी कई धरोहर यहाँ मौजूद है, जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। आज महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है। उन्होंने देश की आजादी के लिए सर्व धर्म संभाव के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज पूरा विश्व वो विनाश के कगार पर है और ऐसे में गांधी जी का सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्व धर्म संभाव ही देश और दुनिया को बचा सकता है। आज गांधी जी होते तो देश की दशा और दिशा कुछ और होती। गांधी जी आज के दिन को कुष्ठ दिवस के रूप में भी मनाते थे। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना उनका परम धर्म था। इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसके पूर्व पुष्पांजलि कार्यक्रम में विभाग के शिक्षक और छात्र छात्राओं के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पीजी गांधी विचार विभाग के हेड डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि 30 जनवरी 1948 के दिन नाथुराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और तब से भारत में इस दिन को बापू की शहादत के रूप में मनाया जाता है और इसे शहीद दिवस भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में न केवल मानवीय समाज में बल्कि मानव से इतर भी जो प्राणी जगत है, सबों को सुख मिले, शांति मिले, यही एक कामना शहादत दिवस के अवसर पर कर सकते हैं। और मानवीय समाज में जो आपसी बैर भाव है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, लिंग भेद के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, क्षेत्रीयता के नाम पर हो, हर जगह सद्भाव का वातावरण बने। कृषि कानून के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में राजद की अपील पर महागठबंधन के घटक दलों ने आज प्रदेश में मानव श्रृंखला बनाई। राजधानी में बुद्ध स्मृति पार्क के पास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत कई नेता कतार में खड़े हुए। इधर भागलपुर स्टेशन चौक के समीप युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूलो मंडल, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष परवेज जमाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला का नेतृत्व किया। इसके पूर्व सड़क पर उतरे दर्जनों नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समर्थकों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की, साथ ही दावा किया कि कानून वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। मानव श्रृंखला में राजद के अलावा कांग्रेस और तीनों वाम दलों के नेता कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े रहे। मौके पर भागलपुर के पूर्व सांसद बूलो मंडल ने केंद्र और राज्य सरकारों को किसान विरोधी बताया और कहा कि नए कृषि कानून के जरिए किसानों के साथ हकमारी की जा रही है। इसी को लेकर तिरुपतिनाथ यादव, मुजफ्फर अहमद और मुकेश मुक्त ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे बिहार में महागठबंधन के द्वारा आयोजित की गई थी और उसी मानव श्रृंखला के तहत आज हम लोग यहां पर उपस्थित हैं।
ये हिटलर शाही सरकार हम लोग नहीं चलने देंगे, पूरी तरह से जो मन में आया वो कानून लागू कर देंगे, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग इसके पूरे खिलाफ में हैं और पूरी ताकत और ईमानदारी से इसका हम लोग विरोध करने का काम है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस भी है। इस अवसर पर और तीन काले बिल के विरोध में और किसान के समर्थन में हम तमाम महागठबंधन के घटक दलों ने मानव श्रृंखला बनाने का संकल्प लिया था और आज हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं। पहली बात है कि जिस तरीका से मोदी सरकार किसान आंदोलन पर हमले कर रही है, किसानों का दमन कर रही है आंदोलन का, एक तो उसका हम प्रतिरोध कर रहे हैं और उनकी साथ एकजुटता का इधार पूरे बिहार में, बिहार के किसान आज मानव श्रृंखला लगा करके कर रहे हैं महागठबंधन के नेतृत्व में। इधर पीरपैंती में राजद की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाया गया। राजद कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून को काला कानून बताया और बिहार में बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के विरोध में आज मानव श्रृंखला बनाने की बात कही। पीरपैंती के कटवा पहाड़ से कोलवरी नौवा टोली तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया गया। जो काला कानून 3-6 जो पास हुआ है उसको वापस लेने की हम मांग करते हैं और किसानों को जो लाठीचार्ज हुआ, जो अभद्र व्यवहार हुआ उसके लिए गृह मंत्री, हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है उनको बर्खास्त किया जाए। वहीं बांका शहर के गांधी चौक पर भी महागठबंधन के विभिन्न दलों की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई। इससे पूर्व राजद सहित विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून की संज्ञा देते हुए उनके वापस लिए जाने तक किसानों के आंदोलन को पूरी ताकत के साथ समर्थन जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। जाएंगे लाठी खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिवस पर हम सभी यह संकल्प लेते हैं, जो विपक्ष के नेता और महागठबंधन के नेताओं ने कहा है, हमारी चट्टानी एकता किसान आंदोलन के साथ है और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा जंग जारी रहेगा। इसी को लेकर नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा में भी मानव श्रृंखला बनाया गया, जहां महागठबंधन ने कृषि कानून के विरोध में शामिल होकर कृषि बिल का विरोध प्रदर्शन किया। मानव श्रृंखला NH 31 से पंचायत स्तर तक बनाई गई। वहीं घटक दलों ने किसान विरोधी तीनों कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की गारंटी करने, धान खरीद की सीमा समाप्त करने सहित कई मांगों को लेकर अपनी बात रखी। 3 काला कानून के विरोध में हमारे महागठबंधन के ओर से यह मानव श्रृंखला रखी गई है, जिसमें हम लोग तमाम महागठबंधन के साथी उपस्थित होकर इनका विरोध प्रकट करते हुए हम लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज समीक्षा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में चल रही योजनाओं के प्रगति की जानकारी दी। DM ने प्रेस को संबोधित करते हुए आगामी पंचायत चुनाव, धान अधिप्राप्ति, पंचायत राज विभाग की योजनाओं, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंटरमीडिएट की परीक्षा और स्वच्छता अभियान समेत कई योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की बात कही। वहीं विक्रमशिला समानांतर पुल, जमीन अधिग्रहण, सुल्तानगंज अगवानी पुल और NH 80 के कार्य को प्राथमिकता के साथ कराए जाने की बात DM ने कही। जल जीवन हरियाली योजना में जिले की रैंक बेहतर होने पर DM ने कहा कि अगली रिपोर्ट में भागलपुर टॉप 10 में शामिल होगा। साथ ही नल जल योजना की मॉनिटरिंग के लिए आई OT डिवाइस लगाने की बात कही। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी में चल रहा है वो है धान अधिप्राप्ति का मामला। धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य इस जिले का पिछले साल की तुलना में लगभग 20,000 मीट्रिक टन, पिछले साल 40,000 मीट्रिक टन था तो 20,000 बढ़ा करके 60,000 मीट्रिक टन किया गया। और जो कल तक की रिपोर्ट है, आज का रिपोर्ट तो फाइनल इवनिंग तक होगा, 27,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा, मतलब पिछले साल 31 मार्च तक जो खरीद हुई थी उससे ज़्यादा हम लोगों ने खरीदारी अभी कर ली है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा की थी अभी इसी सप्ताह में, और उसमें फिर ये हुआ कि 21 फरवरी तक अधिप्राप्ति का कार्य किया जाए, तो वो तिथि बढ़ गई है। कुछ जगह पर घूम करके हम लोगों ने भी देखा है, अन्य सीनियर ऑफिसर्स ने भी विजिट किया है, जहाँ भी जो समस्या आ रही है
उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। भागलपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की ओर से रविवार को हड्डी रोग विशेषज्ञों का प्रदेश स्तरीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस होगा। ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कॉन्फ्रेंस शहर के एक निजी होटल में होगा, जिसमें देश विदेश के डॉक्टर शिरकत करेंगे। वहीं ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम में विदेश के हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन व्याख्यान देंगे। इधर कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉक्टर सुमेन चटर्जी ने बताया कि भागलपुर में वर्ष 2018 में ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसके बाद सितंबर 2020 में यह कार्यक्रम होना था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर सोमेन ने जानकारी दी कि सिंपोजियम में JLNMCH के सीनियर रेजिडेंट और PG स्टूडेंट भी हिस्सा लेंगे। वहीं सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अमर कुमार ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड, नई दिल्ली, पटना समेत कई राज्यों के चिकित्सक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक समेत टूटे कुल्हे और घिसे हुए घुटने का कैसे प्रत्यारोपण किया जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। शहर के चिकित्सकों ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में मेरा चीड़फाड़ एवं दूरबीन विधि से घुटने की सर्जरी समेत कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। भागलपुर में एक ऐसे आयोजन की जरूरत भी थी। इसमें बिहार और बाहर के हमारे देश के कुछ गण्यमान्य नामी हड्डी के डॉक्टर्स जुटेंगे, बिहार के भी जुटेंगे, और हम लोग आपस में नई नई तकनीकों का चर्चा करेंगे। पिछले साल हम लोगों ने बिहार ऑर्थोपेडिक का जो सालाना जलसा होता है, सालाना कॉन्फ्रेंस होता है, वो नहीं कर पाया था, तो इस बार हम लोग उसको पुनः एक छोटे रूप में करने जा रहे हैं, ताकि ज्यादा लोगों का जमावड़ा न हो। और इसको मिड टर्म BOA कॉन्फ्रेंस का नाम हमने दिया है, जो 31 तारीख को दिन के 1 बजे से शुरू होगा और रात के 8 बजे तक चलेगा। इसमें बाहर से कलकत्ता, दिल्ली और पटना और धनबाद से काफी वरिष्ठ सर्जन लोग आ रहे हैं। तैयारी तो देखिए पूरी हो गई है। हम लोगों ने होटल चिन्मय में अपनी कॉन्फ्रेंस रखा है। वहाँ के ऑडिटोरियम में एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया है, लोगों के 100 लोगों के बैठने के अरेंजमेंट किया गया है। उसमें बहुत सारे टॉपिक पर नई नई तकनीक के बारे में हम लोगों को स्पेशलिस्ट सारे डॉक्टर्स एक दूसरे को जानकारी देंगे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका जिले के अमरपुर थाना परिसर में आज जमीन संबंधित विवाद के निपटारा को लेकर CO स्वाति कृष्णा और पुलिस निरीक्षक वकील प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में फतेहपुर, सलेमपुर, शोभानपुर, चांकीपुर, महादेवपुर आदि गाँव से दर्जनों फरियादी पहुंचे और जमीन विवाद को लेकर आवेदन दिया। फरियादियों की तरफ से दिए गए आवेदनों का CO ने बारीकी से अवलोकन किया। उसके बाद CO ने अंचल कर्मियों को दूसरे पक्ष को नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया। वहीं एक अन्य मामले में नया टोला हसनपुर के ग्रामीणों ने गांव के दबंगों द्वारा जबरन मस्जिद की जमीन पर दीवार देने का आरोप लगाया, जिस पर CO ने अविलंब नोटिस जारी कर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। CO ने बताया कि आज जमीन संबंधित 8 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें जमीन संबंधित 2 विवाद का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया। भागलपुर गांधी विचार विभाग परिसर में शहादत दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठनों की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को षड्यंत्र पूर्वक दबाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया।
उपवास कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता उदय ने कहा कि जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी उसी विचारधारा द्वारा आज किसानों के अधिकार पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फासिस्ट विचारधारा देश को बांटकर स्वावलंबन और सत्याग्रह को मिटाना चाहती है, लेकिन सरकार की ये मंशा पूरी नहीं होगी। वहीं अविनाश कुमार, नीरज कुमार समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से अविलंब 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। गांधी की हत्या आज की गई थी और जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी वही विचारधारा आज किसानों पर हमले कर रही है, वही विचारधारा आज गाँव को मार रही है। गांधी को मारने के बाद भी गांधी इस देश में जिंदा है, लेकिन गांधी के विचारों को मारकर, गांव को मारकर, खेती किसानी को मारकर, स्वावलंबन को मारकर ये विचारधारा आगे बढ़ना चाहती है। भारत सरकार के द्वारा 3 काले कृषि कानून बनाया गया जिसके विरोध में देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को सरकार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक दबाने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ लाल किले पर जो भी व्यक्ति या संस्था ने अपना झंडा फहराया उसके ऊपर कार्रवाई करने और अभिलंब 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग के समर्थन में हम लोग आज उपवास पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज TNB, SM और BN कॉलेज में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ABVP के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष सिंह तोमर सहित अन्य 30 कार्यकर्ताओं के ऊपर TMBU प्रशासन की ओर से किए गए मुकदमा को वापस लेने की मांग की गई। वहीं ABVP के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी का पुतला दहन किया, साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भ्रष्ट एवं तानाशाह कुलपति श्री संजय चौधरी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से भागलपुर शहर के मुख्य कॉलेज है सभी मुख्य कॉलेज में पुतला दहन किया गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री संजय चौधरी पहले तो सिर्फ भ्रष्ट थे, अब इनकी गिनती तानाशाह में भी आने लगी है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर नौगछिया के रामधरी उच्च विद्यालय तेतरी और इंटर स्तरीय विद्यालय नौगछिया में आपदाओं से बचाव को लेकर SDRF इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। दोनों स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों को भूकंप, आग और सर्पदंश से बचने के उपाय के बारे में बताया गया। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने कहा कि भूकंप आने पर घबराने के बजाय संयम से काम लेना चाहिए। मौके पर SDRF के कर्मी नीलेश कुमार, शंभू पाल, निरंजन कुमार, नवनीत कुमार पांडे समेत अन्य स्कूल के छात्र छात्रा मौजूद थे। भागलपुर के SM कॉलेज सभाघर में शनिवार को विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कॉलेज के बॉटनी विभाग की लैब टेक्नीशियन बुलबुल बैनर्जी की सेवानिवृत्ति, विभाग के फाइनल ईयर की छात्राओं का फेयरवेल और पार्ट 1 की छात्राओं का फ्रेशर पार्टी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर नई छात्राओं का स्वागत किया, जबकि कॉलेज में 40 वर्ष सेवा देने वाली लैब टेक्नीशियन बुलबुल बैनर्जी और BA अंतिम वर्ष की छात्राओं को विदाई दी गई। वहीं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन कुमार सिन्हा ने कहा कि बुलबुल बैनर्जी अपने विभाग के अलावा कॉलेज के दूसरे कार्यों में भी सहयोग करती रही है। चंद्रवती महिला PG कॉलेज कैम्ब्रिज में आज वनस्पति विभाग में एक साथ 3 कार्यक्रम है, नए बच्चों का स्वागत, जाने वाले बच्चों का विदाई और बॉटनी विभाग में कर्मठ कार्यकर्ता लैब टेक्नीशियन के रूप में बुलबुल बैनर्जी का आज अंतिम कार्य दिवस है। कल 31 जनवरी को वो अवकाश ग्रहण करेंगी, कार्य दिवस आज अंतिम है। रिटायर कर रही है, उसका तो हमें बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। और इन्होंने बोला है कि हम सिर्फ पेपर पे रिटायर हो रहे हैं, हम आते रहेंगे, तो इसकी इस बात की तसल्ली है कि मैम आती रहेंगी। और एज फार इनके कंट्रीब्यूशन और इनका हेल्प और वो सब चीज़ें तो लाइक हम लोग उसका ऋण नहीं चुका सकते। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहादत दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया गया नमन, अंग प्रदेश में 4 बार पड़े थे बापू के कदम। किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन ने बनाई मानव श्रृंखला, नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग।
सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की डीएम ने दी जानकारी। विक्रमशिला समानांतर पुल के कार्यों में तेजी लाने की कही बात। भागलपुर में रविवार को जुटेंगे देश भर के हड्डी रोग विशेषज्ञ। नई चिकित्सा तकनीक पर होगा मिड टर्म कॉन्फ्रेंस। और जमीन संबंधित विवाद के निपटारे के लिए लगाया गया जनता दरबार। कई मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।